गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। लास्ट डे वी हैव डिस्कस न्यू इन्वेंशन फ्रॉम पेज नंबर 86। टुडे वी शैल डिस्कस ट्रेड यूनियनिज एंड सोशलिज्म। इन दिस टॉपिक इट हैज बीन गिवन बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी मेनी यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड टू ओवरसीज ट्रेड फॉर ग्रेट प्रॉफिट। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए ओवरसीज ट्रेड शुरू कर दिए, यानी समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिए। The rulers of the different European countries started giving exclusive right to group of merchants to begin companies and trade in the East in place of the good share of their profit। यानी यूरोप के विभिन्न देशों के शासकों ग्रुप ऑफ मर्चेंट व्यापारियों के समूहों को एक्सक्लूसिव राइट देना शुरू कर दिया। क्यों? व्यापार करने के लिए। कहाँ के से? तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए वहाँ के व्यापारियों को विशेष अधिकार देना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला इंग्लैंड जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप। इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप कब की गई थी? 1600 में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप 1662। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इन 1664। ये हुआ कि यूरोप के देश जो थे अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को विशेष अधिकार देना शुरू कर दिया कि वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार शुरू करें, जिससे हमारा मुनाफा बढ़ सके, हम अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकें। व्यापारियों को जब मुनाफा होगा तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, इसलिए वो ऐसा चाहते थे। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? उपनिवेशवाद क्या होता है? सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी, establish political control around their trade center। अपने ट्रेड जहाँ पर व्यापार करते थे, जब दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करते थे, तो वो अपने व्यापारी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों पर political control बनाना शुरू कर दिया, और उस political control को किस रूप में जाना गया? तो उसे कॉलोनीज के रूप में और अस्थाई आवास के रूप में जाना गया कि वह स्वतंत्र रूप से वह वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू किया कि जब हमारा व्यापार इस क्षेत्र से शुरू होगा तो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से व्यापार कर सकते हैं, दूसरा कोई भी रूलर हमारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए पॉलिटिकल डोमिनेंस वहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए अपने व्यापारी केंद्रों के आसपास। इसे इसमें लिखा है कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज मैनेज इस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू किए ओवर द एरियाज अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट, यानी अपने ट्रेड सेटलमेंट के आसपास के क्षेत्रों में, इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी दुनिया के विभिन्न देशों में। इसके बाद दीज एरियाज, और जहाँ पर वो पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना जमा देते उस एरिया को क्या कहा जाता था? कॉलोनीज कहा जाता था, और वहीं सिस्टम जो शुरू हुआ उसको कॉलोनाइजेशन कहा गया। ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, हॉलैंड सब ने ऐसा किया, इस कॉलोनियल सिस्टम को फॉलो किया। कहाँ पर? तो एशियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, यानी डिफरेंट कॉन्टिनेंटों पर दे स्टार्टेड टू इस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसका अर्थ होता है औद्योगिक क्रांति, इसका मतलब होता है कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट, जब सी रूट का डिस्कवरी हुआ, लेड टू ट्रीमेंडस इंक्रीज इन ट्रेड
जब सी रूट का खोज हो गया और सी रूट के खोज के बाद ट्रिमेंडस मीन्स होता है विपुल मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में व्यापार की वृद्धि हुई, अधिक से अधिक लोग व्यापार करना शुरू कर दिए एंड क्रिएटेड ए ग्रेट डिमांड फॉर गुड्स। और जब व्यापार का विकास हुआ, वृद्धि हुआ, तो अधिक से अधिक गुड्स का डिमांड होने लगा एंड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ गुड्स, उस डिमांड गुड्स को फुलफिल करना बाई मैनुअल अवे, क्योंकि मैनुअल अवे से ही प्रोडक्शन होता है, मैनुअल अवे मीन्स हाथ से ही गुड्स का प्रिपेयरिंग होता था, तो मैनुअल फॉर्म में गुड्स का प्रिपेयरिंग जो था इट वॉज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं था तो बाई वट काइंड्स ऑफ मेथड शुड बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स, तो न्यू टाइप ऑफ मशीन वेर इन्वेंटेड ऑन दैट टाइम, और उस समय नए नए प्रकार की मशीनों का इन्वेंशन हुआ और न्यू टाइप ऑफ मशीन स्टार्टेड टू प्रोडक्शन इन लार्ज अमाउंट, और वो न्यू टाइप ऑफ मशीन जो थी बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू की टू फुलफिल द डिमांड ऑफ गुड्स, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ गुड्स, उस गुड्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में तो गुड्स का प्रोडक्शन बहुत अधिक होने लगा, उससे बेनिफिट क्या हुआ, बहुत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला, गुड्स की प्राइस जो थी वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, तो गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी, जब अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन होगा तो गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, लोगों को रोजगार मिला एंड व्यापार का भी विकास हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट एंड रिड्यूस द प्राइस, गुड्स के प्राइस को रिड्यूस किया, दैट वॉज स्टार्टेड बाई डिफरेंट कंट्री, लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन वॉज क्रिएट इन इंग्लैंड, बहुत सारी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई थी जिसके कारण सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वह इंग्लैंड में आया था। ओके थैंक्स फॉर, नेक्स्ट टॉपिक वी शैल डिस्कस इम्पायरलिज्म। ओके।